पंचांग के मुताबिक 25 अक्टूबर 2022 को सूर्य ग्रहण लगा था। साल 2022 का आखिरी चंद्र ग्रहण कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि यानी आज 8 नवंबर को लग रहा है। ये चंद्र ग्रहण शाम 5:32 से शुरू होगा और 6:18 पर खत्म होगा। वह इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल सुबह 9:21 पर शुरू हो गया है। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा, इसीलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो इस चंद्र ग्रहण में कौन सी सावधानी रखनी है और किस राशि पर इसका क्या असर पड़ेगा, चलिए स्लाइड के जरिए जानते हैं। मेष राशि, आपको मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन चंद्र ग्रहण के बाद आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपके अधूरे काम पूरे होंगे। ग्रहण के दौरान हाथ जोड़कर अपने इष्ट देव का ध्यान करें। गृहस्थ जीवन में उलटफेर हो सकता है। पत्नी और संतान से अनबन या गलत काम हो सकता है। घर परिवार और वाहन सुख को लेकर भी थोड़ा तनाव हो सकता है। इस दौरान आपको नींद की बीमारी भी हो सकती है। मिथुन राशि, आपके लिए बहुत अनुकूल समय है। नए काम को शुरू करना, स्वास्थ्य लाभ करना और यात्रा करने के लिए उत्तम है। वर्क प्लेस पर नई जिम्मेदारी मिल सकती है, वही बेरोजगार लोगों की नौकरी भी लग सकती है। कर्क राशि, इस समय भूमि क्रय विक्रय द्वारा लाभ उठाना चाहिए, साथ ही साथ शेयर्स में भी भाग अवश्य लेना चाहिए। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण शुभ फलदायी साबित हो सकता है। आपके मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है। राजनीति क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी नया पद मिल सकता है। अगर आप नए व्यापार में निवेश करना चाह रहे हैं तो ये समय बेहतर है। सिंह राशि, धन की हानि होगी। मानसिक उद्वेग, चिंता और यात्रा निष्फल रहेगी। सरकारी या उच्च अधिकारी से तनाव की स्थिति बन रही है। पेट और पैर की समस्या में बढ़ोतरी होगी। इस दौरान विवाद से बचें और अपनी वाणी पर संयम बरतें। कन्या राशि, धन प्राप्ति के साधन बढ़ेंगे। लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर काम करने से आपको प्रॉफिट होगा। आपका कोई भी काम नहीं रुकेगा, लेकिन आपको हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, तो संभल कर रहे। तुला राशि, चंद्रग्रहण का बहुत शुभ प्रभाव पड़ेगा। इससे इनके मान सम्मान में वृद्धि होगी। रिश्तेदारों से सहायता प्राप्त होगी। बिजनेस में प्रॉफिट मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को इंक्रीमेंट मिलेगा। ग्रहण के दौरान इष्ट देव का ध्यान करें। वृश्चिक राशि, श्रृंगार प्रसाधन यात्रा और मनोरंजन में खूब खर्च करेंगे। संतान अनुकूलता देगी, लेकिन मनोबल और स्वास्थ्य को लेकर मन नाखुश रहेगा। आपको ये एहसास होगा कि कुछ हुआ है। धनुराशि, ग्रहण के कारण मानसिक रूप से दुखी रहेंगे। आय होते हुए भी अभाव अनुभव करेंगे। नए व्यापार की रूपरेखा बनाने में सफल होंगे, लेकिन आपका अचानक से क्रोध बढ़ सकता है। ऐसे में जरूरी है कि आप खुद पर नियंत्रण रखें। दाम्पत्य सुख और प्रेम संबंधों में तनाव की स्थिति भी पैदा हो सकती है। मकर राशि, भूमि भवन क्रय करने और ठेकेदारी के काम में ज्यादा सफल होंगे। इस दौरान स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। जीवन साथी और प्रेम संबंधों को लेकर मन नाखुश रहेगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी सी चिंता लगी रहेगी। कुंभ राशि, मान सम्मान बढ़ेगा। रुका हुआ पैसा आपको मिलने लगेगा। सरकारी नौकरी में प्रमोशन मिलेगा और ट्रांसफर के रुके काम पूरे होंगे। अविवाहिता लोगों के रिश्ते आएंगे। मीन राशि, घर गृहस्थी संतान आय स्वास्थ्य व्यापार यात्रा सभी दृष्टिकोणों से ये समय उपयुक्त है, लेकिन पराक्रम और सम्मान में अवरोध पैदा होगा। पेट संबंधित रोग सता सकते हैं। इस दौरान आपकी वाणी पर कंट्रोल रखें। ज्योतिष जानकारों की माने तो चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान कर नए वस्त्र पहने चाहिए और ग्रहण के वक्त पहने हुए कपड़े दान कर देने चाहिए। ऐसा करना शुभ माना जाता है। साथ ही अपने पितरों के निमित्त दान करना चाहिए। ऐसा करने से घर में खुशहाली बनी रहती है। वह ये भी माना जाता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को संतान गोपाल साधना करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले गर्भवती महिला नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का मन ही मन ध्यान और स्मरण करें। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण और सूतक काल के दौरान विशेष रूप से सावधान रहने की सलाह दी जाती है। प्रेग्नेंट महिलाओं को किसी भी परिस्थिति में ग्रहण देखने से बचना चाहिए, इसीलिए ये अपने घर या कमरे में चली जाए। मान्यताओं के मुताबिक गर्भवती महिला को अपने पेट पर गाय के गोबर का लेप भी लगाना चाहिए। चंद्रग्रहण के दौरान कोई भी शुभ काम नहीं किए जाते हैं। ग्रहण काल में तुलसी के पौधे को नहीं छूना चाहिए। ग्रहण के दौरान कुछ भी खाने और पीने से परहेज करना चाहिए। इस दौरान किसी भी तरह की यात्रा करने से भी बचना चाहिए। इस दौरान किसी भी प्रकार का मानसिक या शारीरिक तनाव नहीं लेना चाहिए। जानकारी के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि इस चंद्रग्रहण का असर अगले 3 महीने तक देखने को मिल सकता है। इस दौरान आपसी विवाद से बचना चाहिए, अन्यथा आम जनमानस में विद्रोह या तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
वहीं चक्रवात, भूकंप, बवंडर जैसी अन्य अचानक बड़ी दुर्घटना की संभावना भी बन सकती है। हालांकि ये जानकारी कुछ ज्योतिषी के जानकारों से ली गई है। इसकी 100% सच होने का पुख्ता दावा News24 नहीं करता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News24।